कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा है कि कप्तानी के लिए बाबर आजम के अलावा कोई चॉइस नहीं है। चारसद्दा में क्रिकेट अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना था कि बाबर आजम दो सालों से टॉप प्लेयर है, उनका मवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। यूनुस खान का कहना था कि कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए बाबर के अलावा कोई चॉइस नहीं। साबिक कप्तान का कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट से खिलाड़ी बनते हैं और उनका ग्रेड बढ़ता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी इनिंग से विराट कोहली की ग्रेडिंग ऊपर हुई। क्रिकेट की प्रमोशन के लिए दोनों ममालिक को बैठ कर बात करना चाहिए। यूनुस खान का कहना था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जबरदस्त फैसला है, इससे खिलाड़ियों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। डिपार्टमेंट्स के पास मौका है कि वो नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट करें।